दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं और आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आज की वीडियो में यह डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत जल्द ही आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज की वीडियो में यह डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर लॉन्च होगा तो कब तक आपको देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन जो फीचर है, अभी तक टोटल 24 बैंकों में आ चुका है, जिसमें कुछ बड़े बैंक भी आपके शामिल हैं, छोटे बैंक भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 24 बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन इस समय पर हो रहा है। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है तो आपको कब तक देखने को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। हम आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही, एक या दो दिन पहले ही, जो आपका आपका एक बैंक है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, उसमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन आया है। लेकिन आप सोचेंगे कि उससे उस बैंक से क्या कनेक्शन है, पहले आप यह जान लीजिए। देखो, जो आपका बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, उसका जो ओनर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, वही इसको चलाता है। लेकिन आप जैसे उसका जो है, उसका जो छोटे बैंक है, जैसे जो बैंक ऑफ बड़ौदा जिस बैंक को चलाता है, ग्रामीण बैंक है, उसमें आपको आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन तो आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बैंक में भी लॉन्च करा गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक देश का बड़ा बैंकों में शुमार है। इसमें लॉन्च करने में यह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है एक वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो उसके छोटे बैंक उसमें लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए आपको इंतजार करना है। लेकिन हाँ, आपको जो है ऐप को अपडेट करते रहना है और चेक करते रहना है, और साथ में आपको यह करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जैसे ही आधार यूपीआई से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो चैनल पर उसकी तुरंत ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी।